हेलो टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं रेडी हूँ, मैंने मॉर्निंग आउटफिट यस। मैं हमेशा से दो आउटफिट मेरा फिक्स रहता था, स्टार्टिंग से मेरा दो आउटफिट फिक्स रहता था। तो इस बार मैंने ना हर बार जो मैं पहनती हूँ, इस बार ये प्लाजो है ना, सरारा है और कॉटन सरारा, और ये ऊपर कुर्ती और ये दुपट्टा। सो मैंने ये पहना है। और कल कुछ ज्यादा है भी, आज कुछ ज्यादा मुझे इस बार सरारा पहनने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर टाइम क्या हो सकता है सरारा पहनने के लिए, तो मैंने इसलिए ले लिया। और चूड़ियां वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, वैसे मेरे पास थी लेकिन मैंने बोला ये भी जा ही रहा है इसलिए क्यों इतना मेहनत करना। और मैं रेडी हूँ, अच्छे से सब कुछ हो गया, अब मैं अच्छे से सो गई। मतलब हमें जा रही हूँ पूजा करें, थोड़ा सा पूजा करूंगी, फिर यहाँ से गणेश जी बोलो शंकर जी को उठाऊंगी, फिर वहां पे ले जाके मैं बाहर में गणेश जी की स्थापना करूंगी। तो चलिए फिर पूजा करते हैं। चलते हैं, सबको प्रसाद देते हैं, सब रात भर बहुत इंतजार किया प्रसाद का। ऑन कर दो। हिंदी का आदमी है? हाँ, हिंदी का आदमी नहीं, मैम एक ही क्लास लेगी। एक ही क्लास दो है लेकिन लेगी। हेलो टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब, एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। सो मैं ऑलरेडी, मैंने तीज के मॉर्निंग में मैं रेडी हुई थी, तो मैंने वही वाला आउटफिट पहना हुआ है। और कैसा है कि अब हम लोग जा रहे हैं प्रिपरेशन करने गणेश चतुर्थी की। तो इस बार वैसे तो हर टाइम पे हम हॉल में रखते थे, लेकिन इस बार कैसा है ना, टाइम का बहुत शॉर्टेज है, और अभी हमारे पास हाफ एन आवर में अभिषेक निकल जाएगा बाहर। सो मतलब उसके अपने काम के लिए। तो कैसा है कि हम लोगों ने क्या प्लेस सोचा ना, कि हम लोग इस प्लेस को ही, इस जगह को ही हम लोग इसको हटा करके यहाँ पे सब कुछ, और यहाँ पे गणेश जी रख देंगे, क्योंकि चीज़ें सब कुछ समेटी हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना होगा। और अगर हम हॉल में सेटअप करते हैं तो एटलीस्ट हमें एक वन आवर तो चाहिए। और उस बीच में मेरे साथ क्या हुआ है कि मुझे उसके लिए बना के देना है ब्रेकफास्ट और लंच, मैं मुझे पैक करना है। तो मैंने सोचा है कि मैं क्या करती हूँ, मैंने सोचा है कि मैं करती हूँ जा करके, मैं बना देती हूँ। क्यों कंफ्यूज क्यों है ना, इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतने आधा घंटे के अंदर सब करना है। नहीं तो जीजू 2 मिनट में कपड़े रेडी होंगे और बोलेंगे अब हम चलो ठीक है बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं, समझी ना। तो वो इसलिए अब हम थोड़ा सा ना, अभिषेक ना खाने को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो मेरे को बहुत वो लगता है कि उसके निकलने के पहले 10-15 मिनट पहले मैं सब कुछ प्रिपेयर कर देती हूँ कि उसको बोलना ही ना पड़े। तो ये मेरे को ना बहुत, और नहीं तो मैं दिन भर टेंशन में रहूँगी, खाया नहीं करके, टिपिकल वो होता है ना औरत टाइप का बिहेवियर। सो बस यही सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सब सबमिट आ जाए, फिर गणेश जी वगैरह हम लोग रख लेंगे और हम लोग फटाफट से जो पूजा है कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ किचन में, आज बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी, क्योंकि आटा वगैरह सब गुथ गया है, मैंने पूनम से सब कुछ गुथवा लिया था, और आलू गोभी का मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, आलू गोभी का मुझे खुद ही कर, वो उधर क्लासेस कर रहा है अपनी। सो कल मैं गोभी लेके आई थी फूल गोभी, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। और फूल गोभी तो अच्छा मिल गया था,
तो वही बना देंगे, आटा वगैरह सब जुट गया है, देखते हैं क्या क्या बना पाते हैं। कुछ कुछ क्या क्या बना नहीं पाते हैं, कुछ नहीं होगा मेरे पास, में बना तो यही पाएंगे कि सिर्फ आलू और गोभी बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, हाफ एन आवर में मैं क्या क्या बनाऊँ, और ये सारी चीजें मुझे समेटनी है। और तब हाँ, लेकिन मोदक वगैरह जो भी था मैंने बना दिया था, कल ही बना लिया था, तो फिर उसके लिए मुझे टेंशन नहीं है। मिठाइयाँ वगैरह सब आई हुई हैं, मतलब जो है फ्रूट्स भी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, मुझे अभी याद है नारियल छूट गया, लेकिन अब तो नारियल लाने कोई जा नहीं पाएगा, तो जो भी है मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, मैं उसी में पूजा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से पहले किचन समेटती हूँ थोड़ा थोड़ा, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आलू गोभी छोंक देती हूँ, फिर मिलती हूँ। बोलो, जनता वांट्स टू नो दीदी, जनता वांट्स टू नो। तो ये है कि मैं बनाई थी आलू गोभी का सब्जी, खीर बनाने वाली थी, और ये पूरी मीठा तो सिर हिट कर रहा है पिंकी जी, प्लीज सोचना भी नहीं खीर बनाने का। हम सोचे थे लेकिन फिर जीजू चले गए, तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर मैंने बोला कि सब मतलब हम लोग इंसान नहीं है, सिर्फ जीजू एक इंसान है इस घर में, मेरा पति ही नहीं खाएगा तो हम क्या खिलाए दूसरों को। एक दिन बात तो और इज्जत है भाई, इज्जत ही इज्जत है, जिसके लिए हम इतना परेशान हुए हैं वो ही नहीं खाएगा तो हम क्या बना दे। लेकिन नहीं, अच्छा लगता है, जैसे जीजू नहीं रहते हैं तो फिर वो मजा नहीं आता है, तो पूरी कैंसिल होके पराठा में कन्वर्ट हो गया, और क्योंकि बोबो ही सिर्फ खाएगा और मेरे को शिवानी को भी खाने की इच्छा नहीं है, तो अभी हम लोग सिर्फ पियेंगे ब्लैक कॉफी, और ममता मेरे को और एक पकौड़ा दे के गई थी, तो पकौड़ा हमने खा लिया, इतना अच्छा था ना कि हमने जल्दी जल्दी से खा लिए, क्योंकि नमक नमक था ना, तो बहुत अच्छा लगा खाने के लिए। और वो पहुंचा के गई है यहाँ पे काले चने का छोला, क्योंकि जो मैं बनाने वाली थी, मैं भूल गई थी फुलाना, तो ये पहुंचा के गई है, तो ये मैं दूंगी बोबो को खाने के लिए। तो आलू गोभी का सब्जी और ये चना, और हाँ दही भी देके गई है, कि दही भी था मेरे पास में से, तो दही भी तो बहुत सारा है, बहुत तो हो गया दही। अब कढ़ी बनेगा या छाछ बनेगा? कढ़ी बनेगा, आज कढ़ी बनाते हैं, तो बना दो हमको, कोई दिक्कत। आज दोपहर में कढ़ी, क्योंकि बहुत आज हम बहुत साग लेके आए थे, पालक साग, लाल साग, सब कुछ साग लाए थे, सब कुछ साग लाए थे, तो सब कुछ साग बना देना धीरे धीरे। दीदी तो नहीं है, तू ही लगवा, दीदी आएगी शाम में? नहीं, कल बोली दीदी की आदमी है। तो दीदी हमारी कैंसिल, तो मैंने बोला ठीक है जाने दो, बोली दीदी आज चतुर्थी है ना, मैंने हाँ, तो बोली दीदी आज शाम में नहीं आएंगे, बस ठीक है। तुम अब गोपी बहू से तुम मानसी कब बनने वाली हो? क्यों गोपी बहू से मानसी बनने वाले हैं जब हम कॉलेज जाएंगे। अच्छा, अभी तो तुम वहाँ भी जाओगी ना? होप सो, देखते गाड़ी है नहीं, कैसे जाएंगे देखते। हाँ चलो 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 वो बोलो, खा के नहा लो बेटा, एकदम नहाओ, तुम्हारा बहुत दीदी। तो शरारा तो बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना? पर सबको प्लाजो ना लगे। नहीं ये शरारा है तो हम बताएंगे ना, शरारा प्लाजो नहीं है, शरारा है। बता दो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा भी पहना हुआ वेस्ट हो जाएगा। नहीं ये मैंने जो पहना है वो शरारा है, तो मैंने बहुत मन से लिया है इस बार शरारा, मैंने सोचा चलो मैं शरारा पहनती हूँ, एक्सपेरिमेंट कुछ करती हूँ अपने साथ, अपने लुक्स के साथ, तो वो एक्सपेरिमेंट फाइनली सक्सेसफुल हुआ।
अच्छा लगता है लाइट। सबसे अच्छा बात है ना जब पूजा के एक दिन बाद एकदम वो पहनो, सटल कलर और सटल कपड़ा, एकदम से एकदम सॉफ्ट। तो हर साल तो वही पहनते। हाँ वही ज्यादा अच्छा रहता है जो सूदिंग है, क्योंकि इंसान वैसे ही बहुत परेशान रहता है फास्टिंग वगैरह करके। फास्टिंग से ज्यादा जानती हूँ काम बहुत हो जाता है, तो किचन के ऑलमोस्ट समेट आ गया। अब देखते हैं क्या क्या समेट पाते हैं। और क्या तुम बोलने वाले थे? हाँ, पूजा हो गई है गणेश जी की, तो अभिषेक ने किया अपना, वो करके निकला, फिर मैं अपना करी हूँ। अब हम लोग शाम की आरती हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सब साथ में करेंगे, क्योंकि बोबू भी नहीं नहाया था उस टाइम पे, उसके क्लासेस चल रहे थे, तो उसको भी मैंने नहीं डिस्टर्ब किया, मैंने उसकी छुट्टियां नहीं थी आज, तो मैंने बेहतर हम लोगों ने सोचा है कि हम शाम की आरती साथ में करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार गणेश जी का दर्शन करा दूँ। मैंने करवा दिया है। अच्छा, आपने करा दिया? यस, आप शाम में करवाइएगा दर्शन, ठीक है? पॉज करें। हाँ, ब्लैक कॉफी पीना है ना। मेरे को भर देना। इससे ज्यादा ब्लैक नहीं रहेगा। सो मेरा फिक्स होता है, मुझे कॉफी चाहिए तो इतनी चाहिए, मुझे चाय चाहिए तो इससे कम चाहिए। अगर आप मैंने पकड़ा, मैं देखूंगी भी नहीं, अगर मैं बस पकड़ूंगी ना चेंज, मेरे को नहीं चाहिए। तो चलिए मैं कॉफी पी लेती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, और जितनी जगह फोन कॉल करना है मैं कर लेती हूँ, ज्यादा तो नहीं, 2-3 ही होंगे, ज्यादा तो मैं करती नहीं हूँ। फिर वो करके मैं फिनिश अप करके फिर मैं आराम से मैं मिलती हूँ। अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको असिस्ट करने के लिए माइक भी मुझे जाना पड़ेगा। तुम बताइयो किस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं मतलब बस आधे में तुमको कुछ भी कंफ्यूज करना है लोगों को। प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज का? बच्चों का फ्रेशर्स है और फेयरवेल एंड फ्रेशर्स दोनों साथ में है। मतलब एक काइंड ऑफ यूथ फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन कैसा हुआ था कि उस टाइम लॉकडाउन हो गया था तो वो हो नहीं पाया था, तो उसी का छोटा सा हम लोग वर्जन में कर रहे हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा हम लोग कर नहीं पाएंगे। बाहर से कोई भी इन्वाइटेड नहीं है, सिर्फ हमारे कॉलेज के फैकल्टीज होंगे और जो भी चीजें होंगी हमारे कॉलेज की, बहुत ही छोटे से लेवल में, मतलब और सब लेवल है लेकिन हम क्राउड को बहुत लिमिट में ही हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो कर सके। सो वही सारी चीजें हो रही है, तो वही स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह जो बच्चों का चल रहा है, बच्चे अपने में भिड़ लेते हैं, कभी कभी उनको लगता है उनको फुटेज नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो बस समटाइम्स गाइड करना, बच्चों ने उनका स्टेज परफॉर्मेंस था तो मुझे लगा कि एक बार देखना चाहिए था, तो देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो जा पाऊंगी, या नहीं पॉसिबल हुआ तो देखते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सरी तो नहीं है, देख लेते हैं जैसा होगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।